हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा ये रेसिपी है चीज़ कॉर्न बॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको तोड़कर आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से बनने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे और उसमें हम लोग उबाले हुए आलू को मैश कर लेंगे और इस बाउल में उसको हम लोग डाल देंगे। अब इस आलू में हम लोग ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ रफली चॉप्ड कैप्सिकम। उसके बाद मैं लूँगी एक कटोरी मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड। उसके बाद हमारा है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं, इसको बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है तो वो ले सकते हैं आप। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे नमक। उसके बाद ये चिली फ्लेक्स है, रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद है कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम लोग अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से हम लोग बाइंड कर लेंगे। अच्छे से इसको हम लोग को चारों तरफ मिला लेना है ताकि जो भी नमक है, जो भी चिल्ली फ्लेक्स है, वो अच्छे से इसमें मिल जाए, उसका टेस्ट अच्छा आए। मिक्स कर लिया है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा अमाउंट लेकर अपने हाथों में इस तरीके से फैला देंगे। और इसको और भी ज़्यादा चीज़ी करने के लिए हम लोग, मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ को कट करके रखा था, उसको इसके अंदर डालकर इसको फोल्ड करके सर्कल शेप में करके इस तरीके से हम लोग सारे इसी तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम लोग एक कटोरे में थोड़ा सा मैदा ले लेंगे और इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी और इसका एक अच्छा सा घोल यानी कि बैटर तैयार कर लेंगे। तो हम लोग को ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा थिन भी नहीं, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। अब सबसे पहले इस चीज़ कॉर्न बॉल्स को हम लोग डिप कर रहे हैं इस बैटर में। उसके बाद इसके एक्सेस को निकाल कर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स में और इसको चारों तरफ अच्छे से कोट कर लेंगे अपने हाथों से। चारों तरफ अच्छे से कोट कर लेना है हम लोग को। उसके बाद इसको हम लोग का जो है इसका एक्सेस हम लोग को निकाल लेना है। तो इस तरीके से कोट करने के बाद आप देख सकते हैं एक्सेस हम लोग को ब्रेड क्रम्स निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे चीज़ कॉर्न बॉल्स को हम लोग इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद गैस में एक कढ़ाई में हम लोग तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और हमारे चीज़ कॉर्न बॉल्स को इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। हमारा अब चीज़ कॉर्न बॉल्स आप देख सकते हैं रेडी है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। आई होप आज का ये रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। तो ब्लैक थंब को आप ब्लू में कन्वर्ट करें और बाकी लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें।